सत्यनारायण जी, आज आपने मीडिया वालों को बुलाया है। हाँ जी, तो ऐसा क्या आफत आन पड़ी आपके ऊपर कि आज मीडिया वालों को आपको बुलाना पड़ा? मैं परेशान होकर सेलू कमेटी के पास आया। किस चीज से परेशान है आप? मैं, मेरी नौकरी से निकाल दिया गया मुझे। अच्छा, कब निकाला था आपको नौकरी को? कब लगाया था? 1967 में। किस चीज में थे आप? बीएसएफ में। बीएसएफ। कितने महीने तक आपने नौकरी करी? 6 महीने 4 दिन। सारी जांच वाँच के बाद नौकरी की आपने? छह महीने बाद आपको हटा दिया। कोई कारण बताया? मेडिकल बोर्ड आउट। मेडिकल आपको पहले नहीं कराया था? कराया था जी। तो जब पहले मेडिकल हो गया था और 6 महीने आपकी नौकरी हो चुकी थी कम्प्लीट, 6 महीने आपने ड्यूटी कर ली थी, 6 महीने बाद ऐसा कौन सा मेडिकल आना पड़ा कि आपको हटा दिया? मेडिकल में होने के बाद रोल कॉल में मुझे बताया गया कि सुबह सत्यनारायण शर्मा पालनपुर सिविल हॉस्पिटल में जाएगा और वहाँ उसका मेडिकल होगा। मेडिकल मेरा सब तरह ठीक है, लेकिन आँख में थोड़ी बहुत गड़बड़ बताई उन्होंने, लेकिन वो आई हॉस्पिटल, वो आई स्पेशलिस्ट नहीं था सचिव सदन, उसने लिख दिया भाई ठीक है, थोड़ा बहुत गड़बड़ है। तो इस बेस पर कमांड ने 26 तारीख को मेरा वो हुआ ना, 23 तारीख को वो मेडिकल हुआ। 24 के शनिवार थी, कमांड बैठा नहीं, 26 का एतवार हो गया, 26 तारीख को मुझे आफ्टरनून डिस्चार्ज कर दिया गया। कितने साल हो गए आपको हटाए हुए? ये 50 साल से ऊपर हो गए साहब। क्या आश्वासन दिया आपको? 26 से 27 को मेरा डिस्चार्ज हो गया। मैं तनख्वाह मिलनी थी 5 तारीख को, मैं 26 तारीख को डिस्चार्ज करने के बाद में दो तीन बार कमांड से मिला साहब, मुझे ये क्या किया आपने हुआ और क्या किया, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे ना कोई ज़रूरत है, लेकिन कमांड ने कोई भी सुनवाई नहीं की। फिर मैं बार बार लिखता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। विभाग को आपने कितनी बार चिट्ठियाँ लिखी हैं? अनेक बार है। कोई जवाब मिला? जवाब मिले। जवाब में यह आया कि आपको रिसार्ज कर दिया है मेडिकल बोर्ड बेस पर और आपको नौकरी दिलवाई जाएगी। उसके बाद आपने कोई किसी की मदद ली, जैसे नेताओं में या फिर नेताओं में ली पॉलिटिकल मदद ली आपने? पॉलिटिकल एक लेटर है मेरे पास है, वो दिखा था आपको। राष्ट्रपति भवन से क्या होता है कि बहुत सारे इकट्ठे लेटर एक डिटेल बना के और वो कंसर्न लोगों को भेज दिए जाते हैं, तो उस डिटेल में इनका भी था और मेरा शैडो कैबिनेट का भी एक था। तो इन्होंने जब देखा वो पूरा डिटेल में शैडो कैबिनेट आया तो इनको अच्छा लगा, तो इन्होंने मेरे को संपर्क किया। संपर्क करके बोले कि साहब मेरी भी एक समस्या है, आप मेरे से हेल्प कर सकते हैं मेरी तो बताएँ। तो मैंने इनको बुला के इनकी जब पूरी हिस्ट्री ली तो इन्होंने बताया कि मैं ना तो कोई मिनिस्ट्री छोड़ी, ना मैंने कोई नेता छोड़ा, ना मैंने कोई कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री, बीएसएफ, न जाने कितने चक्कर मैंने लगा दिए। और साहब मैं बहुत रोए ये उस दिन मेरे पास आके कि बोले साहब मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि अब मैं अपना जीवन अंत करना चाह रहा हूँ। मैंने सर ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्यों? तो बोले सर मेरी ना तो घर में इज्जत है, ना मेरे बच्चे मेरी इज्जत करते, क्योंकि मैं अभी तक 55 साल से बच्चों को यही कहता रहा कि अब ऐसा होगा, कि अब ऐसा होगा, कि अब ऐसा होगा। अब इनके बच्चे हैं 35, 35, 36, 36 साल के, आज तक बेचारों ने शादी नहीं की। आप समझिए कि एक पीड़ा कितनी होती है एक आदमी की, एक जो बेचारे खेतीहार आदमी हैं और इन्होंने बहुत ज़िंदगी में अपनी मेहनत की। चतुर्वेदी जी, तो इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ना तो इनके बच्चे इज्जत कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके से आपने बताया, तो ऐसा क्या हुआ थोड़ा शुरू से बताएंगे? आपको तो पता होगा इनके बारे में भाई। जब एक बात बताओ कि आदमी जब हर बार आश्वासन दे रहा है कि मैं अब फलानी मिनिस्ट्री से हुआ हूँ, वहाँ से आश्वासन मिल गया है, अब मेरे को बहुत पैसे मिल जाएंगे, अब आप चिंता मत करो, और फिर वो टाइट है फिर से फिर हो जाए, तो बच्चे कब तक विश्वास करेंगे? कहने का मतलब ये है कि जहाँ-जहाँ भी ये गए वहाँ से सिर्फ सब आश्वासन ही मिलते रहे, इनका काम कहीं नहीं हुआ आज तक। आश्वासन मिलते तब इनको मैंने एक तरीका बताया, मैंने कहा भैया ऐसा है कि जब तुम्हें मरना ही है तो तुम ऐसे मत मरो, आप राष्ट्रपति साहब से, क्योंकि वो भी एक अपराध है, आत्महत्या करना भी एक अपराध है, आप एक काम करो कि हमारे महामहिम प्रथम पुरुष भारत के, उनको आप एक एप्लीकेशन लिखो और उनसे कहो कि भैया मेरे को स्वेच्छा मौत दे दो, कम से कम यहाँ तो न्याय कर दो मेरे साथ,
कि जब कहीं पे भी न्याय नहीं मेरे साथ हुआ है तो आप कम से कम यही न्याय कर दो मेरे साथ। तो इसलिए इन्होंने अप्रैल 5 में एक लेटर वहां दिया जिसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं है, ना इनके पास कोई रिप्लाई है ना कुछ है। अभी ये बीच में बीमार पड़ गए थे, 1.5 महीने तक ये पहुँचे ही नहीं। तब मैं इनके घर पे गया, जाके देखा मैंने कि भाई इनके क्या हालचाल है, कैसे हैं। तो ये बेचारे बहुत दुखी हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और राष्ट्रपति साहब के पास फिर एक बार एक इन्फॉर्मेशन आपकी पहुँच जाए कि भाई आप लोग कम से कम आप तो न्याय कर दो। वो तो न्याय कर सकती हैं, जो चीज़ उनके हाथ की है, जो उनके कलम की है, वो दे ही सकते हैं। उसमें एक देने में क्या दिक्कत है, वो तो पैसे भी नहीं मांग रहे अब तो। ये अब तो ये कह रहे हैं कि भैया मेरे को स्वेच्छा मौत दे दो ताकि मैं कम से कम आराम से निकल जाऊं, चैन से मर जाऊं। ये जो आपने गुहार लगाई है इसको कितना टाइम हो गया? अप्रैल में लगाई है, 5 अप्रैल में लगाई है। अभी तो कोई रिप्लाई मिला नहीं। ये 5 अप्रैल में लगाई हुई है। 5 अप्रैल को लगाई है, 4 महीने हो गए। इससे पहले लगाई थी, इससे पैसे पहले RTI वगैरह लगाई थी, इन्फॉर्मेशन लगाई थी, वही लगाई है। नहीं स्वेच्छा मौत की थोड़ी ना, ये मतलब उसकी लगाई थी कि भाई हमें किसी भी तरीके से आप कंसीडर करो, कहीं आप इसी BSF में कहो, क्योंकि राष्ट्रपति तो एक सबसे ऊपर होता है ना हमारे भारत देश का। 27 अक्टूबर को भी इन्होंने डाली, वहाँ से भी ये देखो राष्ट्रपति भवन से भी इनके पास लेटर आए, लेकिन लेटरों में सब में क्या है कि कुछ है नहीं, केवल एक झुनझुना है बस कि इनको जो राहत मिलनी चाहिए थी, इनको जो पैसे मिलने चाहिए थे, या जो इनको पारिश्रमिक मिलना चाहिए था, जो इनको पेंशन मिलनी थी, वो इनको नहीं मिली आज तक। मणिकेश जी, जिस तरीके से BSF में मतलब इनको लगा दिया जाता है, 6 महीने बाद अचानक से हटा दिया जाता है, जो कि BSF में सारे चेकअप पर लगाया जाता है जी, फिर बहाना करके कि आँख में ये दिक्कत हो गई और हटाया जाता सर है। सर इस बात से साबित होता है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार 66-67 में भी था। जब 6 महीने 4 दिन इन्होंने काम किया है तो 6 महीने का एक 18 दिन 6 महीने 18 दिन जब काम किया है तो हमारे उस जो रूल रेगुलेशन है, जो लेबर लॉ है या जो मिनिस्ट्री लॉ है, वो भी ये कहती है कि अगर 6 महीने से ऊपर आपने 1 दिन भी अगर काम किया है तो आप परमानेंट माने जाते हैं और आपको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो उस प्रतिष्ठान देता है। आज BSF ने इनको जो इग्नोर किया है या इनको जान के वहाँ से निकाला गया है, जैसा कि अभी आपने सुना कि इन्होंने कहा कि जहाँ मेरा मेडिकल दोबारा कराया गया था वो आई स्पेशलिस्ट नहीं था। जब आई स्पेशलिस्ट नहीं था तो एक अंदाजे से कह दिया कि तुम्हारी आँख में डिफेक्ट है, और उस डिफेक्ट पे इतनी तगड़ी उन्होंने एक्शन ले लिया कि इनको निकाल के बाहर कर दिया। आपके कहने का मतलब है कि जो आई स्पेशलिस्ट था ही नहीं, तो जी सिर्फ केवल एक बहाना था। उस पर डॉक्टर पे कोई एक्शन नहीं हुआ, ना कुछ नहीं। इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई है सर, इनकी कहीं सुनवाई नहीं। हाँ वो सारे इनके पास हैं, इनके पास अपॉइंटमेंट लेटर भी हैं, उनके पास सारे BSF के सारे लेटर हैं। मणिकेश जी, जिस तरीके से बताया है कि इतने साल इनको हो चुके हैं, जी साल में कई सरकारें चेंज हो चुकी हैं जी, तो क्या इन सरकारों में कभी भी इनकी किसी भी सरकार में सुनवाई नहीं हुई? ना किसी भी सरकार में सुनवाई तो सब जगह हुई, बैठाया इनको, चाय पानी पिलाया और फिर उसके बाद आश्वासन दिया और बोले सर आप बस अब आपका काम हो गया, लेकिन कहीं पर कुछ काम नहीं हुआ और ये वहीं के वहीं हैं। तो सर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या चाहते हैं? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रथम पुरुष जो हमारा भारत का है हम उसे जगाना चाहते हैं, वो जगे, केवल रबर स्टैंप ना बने। जिस तरीके से आज आपके पास ये आए हैं जी, तो जिस तरीके से भी बताया है आपने कि मतलब क्या आश्वासन सरकार जिससे बार बार दे रही, तो आप क्या मिलना चाहिए इनको? अब इनको मुआवजा मिलना चाहिए, इनकी जो नियम कानून कहता है उसके हिसाब से इनको वो मिलना चाहिए सर। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आवाज को, आपके माध्यम से वो आवाज वहां तक पहुंचे, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से राष्ट्रपति साहब के पास पहुंचे और उनके कानों में थोड़ी सी ईमानदारी, थोड़ा सा न्याय अगर बचा हो तो इनके साथ वो न्याय करें।